लॉकडाउन के चलते दवाइयां बांटने के नाम पर पल्स फार्मेसी की ओर से अवैध तरीके से हुंडई वरना कार से लाखों रुपयों के अवैध शराब का जखीरा बेचने के लिए जा रहे थे, जिसे तहसील पुलिस ने जानकारी मिलते ही गांजाखेत चौक पर चार आरोपी को धर दबोचा। आगे की जांच तहसील पुलिस कर रही है। कोरोना वायरस की रोकथाम करने के लिए और जन जागृति करने के लिए सरकार द्वारा काफी अच्छे कामकाज किए जा रहे हैं। शहर के कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं खाना बांट रही है या फिर अनाज वितरण का काम कर रही है, तो कहीं कुछ ऐसे भी शहर के नौजवान हैं जो अपने वाहन से मास्क, सैनिटाइजर या मरीजों के लिए अपनी ओर से सलाइन किट भी बांट रहे हैं। ये काफ़ी अच्छा काम शहर के युवाओं द्वारा किया जा रहा है, ये सुनकर सभी को अच्छा लग रहा होगा और लगना भी चाहिए। किंतु कुछ ऐसे भी उपद्रवी तत्व हैं जिनकी अपनी पर्स नाम की फार्मेसी है, इसके चलते अपने वाहन पर अत्यावश्यक सेवा वाहक पूर्वठादार औषधि मेडिसिन का इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइडर का बैनर चिपकाकर धड़ल्ले से अवैध तरीके से अलग अलग कंपनी की शराब बेचने के लिए गांजा के चौक से जा रहे थे, तभी तहसील पुलिस ने रात 11:30 बजे संदेह के आधार पर इस वाहन की खोजबीन की तो सारा मामला उजागर हुआ। पुलिस ने राहुल सदावर्ते और उसके चार साथियों को गिरफ्तार कर आगे की जांच कर रही है। इस बारे में तहसील थाने के पुलिस निरीक्षक जयेश भंडारकर इन्होंने NBCN को जानकारी दी। कोरोना महामारी की जन जागृति एवं उसके रोकथाम के लिए केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से कई कामकाज किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में लॉकडाउन भी जारी है। लॉकडाउन का पालन करते हुए कुछ लोग नजर आ रहे हैं तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में उन लोगों के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से जिला प्रशासन के अधिकारी की ओर से उन्हें ऐसे कामकाज करने के लिए कुछ प्रमाण पत्र बांटे जाते हैं, जिसके चलते वे लोग शहर के लोगों को सेवा देते हुए दिखाई देते हैं। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं दवाई मार्केट की, जहाँ कुछ लोग सैनिटाइजिंग मास्क और अन्य ऐसी कोई दवाई की जो चीजें हैं जो कोरोना वायरस की रोकथाम करती है, ऐसे लोगों को देने के लिए इस तरह की कुछ गाड़ियां वहां पे प्रोवाइड किया जिला प्रशासन ने। आप देख सकते हैं कि यहां पे लिखा हुआ है कि अत्यावश्यक सेवा औषधि मेडिसिन इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइडर, इस प्रकार के ये बोर्ड लगाए गए और इसी वाहन में से कई ऐसे लोगों को मास्क और सैनिटाइजर और दवाई दी जाती है। ऐसा लगना आपको और मुझे स्वाभाविक है, मगर अफसोस कि आज भी लोग इसी के आड़ में किस तरह से कामकाज करते हैं, ये हम आपको बताएंगे। ये वही वर्मा की कार है, चार पहिया, जिसमें बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब धड़ल्ले से इस शहर से दूसरे शहर की ओर ले जाते हुए तहसील के पुलिस को दिखाई दी, जिसके चलते गोलीबाग चौक में उनकी रोकथाम किया और इन्हें धर दबोचा। आखिरकार क्या हुआ, कितना माल था, कितने लोगों को अरेस्ट किया, क्या कार्रवाई की गई, क्या भारतीय दंड विधान की क्या क्या कलमे लगाई गई और इस प्रकार के कामकाज करना कितना सही है नहीं है, ये तमाम जानकारी हम इस समय में लेना चाहेंगे। इस समय में हमारे साथ में तहसील पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक जयेश भंडारकर, उनसे जाना चाहेंगे। भंडारकर जी हमारे साथ में, भंडारकर साहब ये बताए कि जिस तरह से कामकाज हुआ है पूरा इसका डिटेल्स बताइए, क्या हुआ था उस दिन, कितने माल पकड़ा, क्या करना चाहोगे? हमारे लिए भी बहुत सरप्राइज है कि कल रात को हमारी गोरीबार चौक गांजाखेत चौक में नाकाबंदी चालू थी, मेरा स्टाफ वहाँ नाकाबंदी कर रहा था और हमको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली कि कुछ दारू की तस्करी होने वाली है, मगर हम ये कभी सोचे नहीं थे कि कोई जो जीवनावश्यक सर्विस प्रोवाइडर का बोर्ड लगा के ऐसा कुछ काम करेगा। कल रात को करीब 12 से 12:30 के बीच में गोरीबार चौक में एक वर्मा कंपनी की सफेद कलर की गाड़ी आई, जिसको हमारे स्टाफ ने रोका। सबसे पहले तो उनको डाउट नहीं है क्योंकि उस पर स्टिकर लगा था इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइडर मेडिकल सर्विस, मगर डाउट ये भी है कि रात को 12:30 बजे ये किसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए हमारे लोगों ने वो गाड़ी को रोक के जब सर्च किया तो सबसे पहले ऊपर तो उसमें अलग अलग सलाइन के इंजेक्शन के बॉक्स थे, मगर जब डाउट बढ़ते गया तो पूरा गाड़ी जब सर्च किया तो उस सलाइन के बॉक्स के नीचे इंग्लिश वॉइस के सिमरन ऑफ कंपनी, सिमरन ऑफ होड़का, ऑफिसर 24, रॉयल स्टैग, इस प्रकार के इंग्लिश लाइन के बॉक्स मिले। और जब पूरी व्हीकल सबने सर्च किए तो उसमें 2,78,100 रुपये उसमें कैश भी नकदी मिली और ये सब लोग जो इमरजेंसी सर्विस का मजाक उड़ाते हुए, जो गवर्नमेंट ने कुछ इमरजेंसी सर्विस की है इसका मजाक उड़ाते हुए इन्होंने दारू की तस्करी की, ये टोटली एंटी सोशल काम है ये। और जो व्यक्ति हमको इसमें गाड़ी में आरोपी मिली है उसमें जो राहुल सदावर्ते है वो एक फार्मेसी के मालिक है, स्पर्श फार्मेसी करके उनकी वैशाली नगर 5 महीने में फार्मेसी है। उसके बाद जो गणेश सदावर्ते उनका जनरल ट्रोस का दुकान है,
रोशन बारापत्री जियो कंपनी में काम करते हैं, सभी वेल सेटल लोग हैं, इनको इस प्रकार का कृत्य नहीं करना चाहिए था। और प्रशासन को अंदर में रखने के लिए उन्होंने उस गाड़ी पे अपना स्टिकर लगाया मेडिकल सर्विस का, मगर पुलिस इसके बारे में होशियार थी, पुलिस ने बड़े छानबीन करके इनको हिरासत में ले लिया। चारों आरोपी को हमने अरेस्ट किया है, अभी इनको आंगनबाड़ी कोर्ट में हम पुटअप करेंगे और ये पता करेंगे कि भाई इतना सब लॉकडाउन है, महाराष्ट्र में पूरे वाइन्स की दुकान बंद है और ये इतनी भारी मात्रा में वाइन्स कहाँ से लाई, इसका हम पूरा इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन मिली है ये नागपुर डिस्ट्रिक्ट के भिवापुर से वाइन्स आई है। सर कौन सी कल में लगाई गई और उनके जो फार्मेसी है उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है क्या? ये अभी सब इन्वेस्टिगेशन में करेंगे। बेसिकली हमने सबसे पहले 65E मुंबई प्रोविजनल एक्ट, मुंबई दारूबंदी कायदा के अंतर्गत, और आपको मालूम है कि शहर में धारा 144 CRPC लगी है, इसलिए इनके ऊपर हमारे पुलिस स्टेशन तहसील में अपराध नंबर 255/2020 कलम 188/270 IPC, साथी चौधरी में कलम 3 और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कलम 51B, इस मुताबिक उनके ऊपर मामला दर्ज किया है। चारों आरोपी को अभी ऑनरेबल कोर्ट में पुटअप करेंगे और उनका PCR लेके आगे का इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो आप थे तहसील पुलिस थाने के PI जयेश भंडारकर, जिन्होंने बकुवेट बेपार के साथ बात करते हुए ये तमाम जो घटनाएं उसका उसके ऊपर में रोशनी डाली और ये बताया कि किस तरह से सरकारी सेवा को सामने रखते हुए पिछले दरवाजे से किस प्रकार से काम किए जा रहे हैं और लोगों को शराब बांटी जा रही है, ये पूरी तरह से सरकार के आदेशों के खिलाफ है और उसकी अमल न करने वाले के लिए कठोर से कठोर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, ये शहर की जनताओं की मांग है। नागपुर के तहसील पुलिस थाने से कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोपड़ागढ़ के साथ संजय मुरे, NBC News नागपुर।